नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरने के लिए लोग अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। हाथ में कैमरा लेकर कुछ लोग पूरी दुनिया भूल जाते हैं और वीडियो शूट करने के लिए हर खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस हैरान करने वाले वीडियो को आईपीएस अधिकारी ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है और वीडियो बना रहे इन लोगों को मूर्ख बताया है। दरअसल सुनामी की चेतावनी के बाद कुछ लोग इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए वीडियो बनाने के लिए लहरों के पास चले जाते हैं। इसके बाद जो मंजर सामने आया वो हर किसी का दिल दहला रहा है। वायरल हो रही वीडियो में आप देख सकते हैं कि लाइफ जैकेट पहने एक लड़का केले के पेड़ पर दनादन पंच मार रहा है। वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो लड़के के पीछे आपको पानी की तेज लहरें उठती हुई दिखाई देंगी। ये लहरें काफी तेजी से लड़के की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन लड़का बेखौफ होकर पेड़ पर पंच मारता रहता है। इस दौरान कुछ लोग लहरों को देखकर लड़के की ओर भागते हुए भी दिखाई देते हैं। हैरानी की बात ये कि इन सभी के हाथों में कैमरा है और ये उस भयावह मंजर का वीडियो शूट कर रहे हैं। इतने में पानी सबको बहाकर ले जाता है। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि ये वीडियो कहां का है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।